फ्रेंड्स, मिनल्स किचन एंड मोर में आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची की चटनी। सर्दियों के मौसम में हमें ये वाली मिर्ची आसानी से मार्केट में मिल जाती है, तो इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी रहती है और इसको हम काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लगभग एक हफ्ते तक। और इसको हम लहसुन के साथ बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के आसपास लाल मिर्ची ली है और लहसुन की कली हम लोगों ने 10 से 12 ली है। तो सबसे पहले हम लोग मिर्ची के ऊपर का ये हरा पार्ट है उसको निकाल देंगे। मिर्ची को धोकर उसको साफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, धोनी बहुत ज़रूरी है इसको, ताकि इसके ऊपर का जो भी कचरा है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसका हेड निकाल दिया है। तो अब हम मिर्ची को और लहसुन को एकदम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिर्ची को और लहसुन को एक साथ हल्का कद्दूकस कर लिया है मिक्सर में। सो इस तरह से रखना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं लगभग 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लूँगी। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहो तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा, लगभग 1/4 टेबलस्पून जितना डाला है। यहाँ पर मैं कुछ कड़ी पत्ता डालूँगी। अब हम इसमें ये मिर्ची डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लगभग 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक हम चलाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, मिर्ची एकदम अच्छे से पक नहीं जाती। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अभी ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, आप देख सकते हो काफ़ी, अभी ये स्टिकी भी नहीं है, इसका पानी जल चुका है। तो अब ये स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा दही मिलाएंगे। मैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना दही मिलाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें से दही पूरा जल नहीं जाता। इसमें आप फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 टेबलस्पून जितनी शुगर ऐड करूँगी, ताकि इसका जो भी फ्लेवर है पूरा अच्छे से बाइंड हो जाए। देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है चटनी का। तो ये हमारी दही वाली लाल मिर्च की चटनी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।